नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल दीपक के भी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको शेयर कराने वाला हूं बैचिंग प्लांट का। दोस्तों ये जो प्लांट है दोस्तों ये स्विंग स्टेटर कंपनी का है जो कि 1MQ का है। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह के मशीन लगे होते हैं और ये जो प्लांट है ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ये स्विंग स्टेटर का प्लांट है दोस्तों जो कि 1MQ का प्लांट है। वो मिक्सर है दोस्तों, ये देखिए, और ये हमारा सेलो है जिसमें सीमेंट स्टोर किया जाता है। देखिए दोस्तों ये 100 टन का सेलो है दोस्तों, ये बल्कर लगा है, ये प्लांट चालू है दोस्तों। ये देखिए ये हमारा केबिन है जिसके अंदर पूरा कंट्रोल सिस्टम है प्लांट का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए वहाँ ऑपरेटर बैठा है तो इसे हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको प्लांट के बारे में बताता हूँ। ये देखिए इधर बल्कर भी लगा हुआ है, सीमेंट एयर प्रेशर की मदद से सीमेंट को सेलो में डाला जा रहा है दोस्तों। ये देखिए ये हमारा सीमेंट स्क्रू कन्वेयर है दोस्तों, 3 सेलो का 3 सीमेंट स्क्रू कन्वेयर जिससे सीमेंट जाता है दोस्तों। 2 हमारा सेलो दोस्तों सीमेंट का है और 1 फ्लाइस का है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको किस बल्कर से सीमेंट कैसे सेलो में डाला जाता है। ये देखिए ये हमारा कंप्रेसर है, ये दोस्तों एयर बनाता है। हमारा प्लांट में बहुत जगह एयर का यूज किया जाता है दोस्तों। ये देखिए ये कंप्रेसर है और ये सब पैनल है दोस्तों। चलिए आगे दिखाता हूँ। ये देखिए ये बल्कर लगा है, ये पाइप की मदद से, ये देखिए जो आपको टाइट किया जा रहा है दोस्तों, इसमें एयर जाता है और दूसरा वाला से सीमेंट सेलो में जाता है। ये देखिए हमारा 36 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 36 किलोवाट का ये मोटर है जो कि कंप्रेसर को चलाता है दोस्तों, जिससे एयर बनता है और ये हमारा बल्कर के अंदर जाता है जिसके ये हमारा रिटर्न पाइप से घूम के सेलो के ऊपर जाता है दोस्तों। ये देखिए ये अभी सेट किया जा रहा है, जब चालू होगा तो मैं आपको एक बार जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा तीनों सेलो के नीचे देखिए दोस्तों मोटर लगा होता है जो मोटर घुमाता है और हमारा सीमेंट ऊपर हॉपर की तरफ जाता है। ये देखिए सेलो, ये देखिए दोस्तों तेल में डालने वाला कुकी जैसा होता है उस तरह का है दोस्तों। चलिए अब ऊपर हम चढ़ते हैं सीढ़ी से, आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों वहाँ हमारा पानी का टंकी है, ये जैक्सन बॉक्स है दोस्तों जो प्लास्टिक से ढका है ताकि उसमें पानी ना जाए। ये एक देखिए ऊपर दोस्तों मोटर लगा है जो कि 50 HP का मोटर है जो कि दोस्तों मिक्सर को घुमाता है, इससे हमारा अंदर में कंक्रीट तैयार होता है। ये देखिए देखिए घूम रहा है, प्लांट चालू है दोस्तों आपको। और दूसरा मैं दिखाता हूँ जिसमें हमारा आर्म्स घूमता है। ये देखिए ये अंदर में दोस्तों दोनों मूव होता है, पूरा घूमता है दोस्तों और अंदर में सीमेंट और एग्रीगेट्स का एक मिक्सर तैयार होता है जो कि कंक्रीट है दोस्तों, जिसका यूज हमारा कंपनी में दोस्तों रोड और वॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा एग्रीगेट्स का है, ये जो दोस्तों देख रहे हैं तो बेल्ट से एग्रीगेट्स आता है, इस हॉपर में देखते हैं और ये हॉपर से हमारा मिक्सर के अंदर चला जाता है इस वाले मिक्सर में। और दूसरा वाला हॉपर है देखिए दोस्तों, सीमेंट का हॉपर है और बीच में गए वो पानी के लिए दोस्तों। ये देखिए ये एडमिक्सर का टंकी लगा है दोस्तों, इस टंकी में 20 लीटर एडमिक्सर आता है। आपको देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जो रोड बन रही है, ये देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रोड बन रहा है दोस्तों जो कि नागपुर से मुंबई जाने वाला रोड है दोस्तों, मगर हमारे कंपनी को ये 31 किलोमीटर तक का रोड का प्रोजेक्ट मिला है। ये देखिए नीचे में 200 KVA का DG है। ये देखिए हमारा कन्वेयर है दोस्तों जिसमें हमारा एग्रीगेट्स दोस्तों आता है। ये देखिए सामने एक मिलर लगा हुआ है और सामने और देखिए दोस्तों कई सारे मिलर लगे हुए हैं। ये देखिए पीछे आ रहा है दोस्तों, ये पानी भरने के लिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि इस गाड़ी में एक पानी का टंकी भी होता है जो कि दोस्तों सीमेंट निकलने के बाद इस गाड़ी के टंकी को धोने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें सीमेंट रखा होता है। ये देखिए हमारा एग्रीगेट्स, इसमें दोस्तों सेंड गिट्टी 20 और 10 का देखिए दोस्तों गिट्टी रखा हुआ है जो कि हमारा ये हॉपर की मदद से ये बेल्ट में गिरता है और बेल्ट से ये
आके दोस्तों सीमेंट का जो कंक्रीट है दोस्तों, इसमें कंक्रीट मिलाया जाता है उसमें गिर रहा है। सामने देखिए ये दोस्तों, ये ग्रीस गेन है, इससे जारे जितने सारे मशीनरी उसमें ग्रीस डाला जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रू कन्वेयर इस तरह सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों, वो हमारा स्क्रू कन्वेयर ख़राब हो गया था। मैं आपको इस वीडियो में उसका लिंक दे दूँगा, अगर आपको देखना है तो आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं उस वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टंकी है इसमें देखिए ये पानी हमारा यूज होता है। ये देखिए हमारा बेल्ट, इससे एग्रीगेट्स ऊपर जाते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चार हॉपर है, इसमें अलग अलग एग्रीगेट्स है दोस्तों। 10 है, 20 है, सेंड है, ये सब है दोस्तों, जो कि हमारा बेल्ट में गिरता है। और ये बेल्ट हमारा ऊपर मिक्सर पर ले कर जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये सारा दोस्तों सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है दोस्तों। ये देखिए जो हमारा मिलर ये निकलता है, देखिए दोस्तों, ये मिलर के निकलने के बाद एक दूसरा मिलर लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसे मिक्सर का सूट कहते हैं। इस सूट के थ्रू दोस्तों हमारा कंक्रीट नीचे आता है। जब हमारा गेट खुलता है दोस्तों, तो हमारा सीमेंट जो कंक्रीट है दोस्तों, वो मिलर में गिरता है। ये देखिए दोस्तों, दूसरा मिलर लग रहा है। अब दोस्तों इसमें कंक्रीट तैयार होगा और इस मिलर में दोस्तों वो कंक्रीट जाएगा। तो दोस्तों एक मिलर में 6-7 MQ तक हार्डली आते हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा दोस्तों नहीं आएगा। क्योंकि जब अगर उससे ज़्यादा डाला जाए तो जब चढ़ान आएगा दोस्तों, तो उस टाइम ये कंक्रीट पीछे से दोस्तों गिरने लगेगा। देखिए ये हमारा मिलर लग चुका है दोस्तों, अब इसमें कंक्रीट रेडी होगा और वो दोस्तों इस मिलर में भरा जाएगा। ये देखिए, इसने इंजन ऑन कर लिया। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, दूसरी तरफ से आके दोस्तों ये एक्सीलेटर देगा, जिससे ये मिलर का जो पीछे का जिसमें कंक्रीट डलता है दोस्तों, वो टंकी घूमना लगेगा। देखिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आदमी पीछे तरफ से गया है, ये इस तरफ में दोस्तों पीछे की तरफ एक्सीलेटर दिया रहता है, वो एक्सीलेटर देगा। तो ये देखिए, ये हमारा टंकी जो है दोस्तों पीछे का, वो घूमने लगा है। अब ये दोस्तों ये उल्टा घूम रहा है, मतलब दोस्तों अगर इसके अंदर कुछ पानी हुआ या कुछ पत्थर वत्थर हुआ, वो बाहर की तरफ आके गिर जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसे वापस सीधे की तरफ घुमाएंगे तो ये जो कंक्रीट दोस्तों ये अंदर अंदर जाएगा दोस्तों, ये मिलर के अंदर। देखिएगा आप, देखिए दो रोटेशन जिस तरफ से, देखिए देखिए दोस्तों, अब दूसरी तरफ रोटेशन घूम रहा है ना, यही है दोस्तों। अब दोस्तों, अब जो कंक्रीट बनेगा वो मिलर के अंदर चला जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर का है दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर है दोस्तों, 50 HP के मोटर के लिए। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा, देखिए कंप्रेसर, देखिए दोस्तों चालू है। ये देखिए पाइप से, देखिए दोस्तों कैसे हिल रहा है। इसमें से दोस्तों सीमेंट जा रहा है दोस्तों सोलो में। और ये दूसरा वाला जो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डैमेज है पाइप, इससे एयर जा रहा है दोस्तों, ये बल्कर में एयर जा रहा है दोस्तों। एक तरफ से एयर जाता है दोस्तों, दूसरी तरफ से वो सीमेंट प्रेशर से वो हमारा सेलो में जाता है दोस्तों। इसमें से दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।